हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर वर्सेस प्रोग्राम। फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, उसके बाद हम उसके वर्सेस पे आएंगे। सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर है वो एक तरह से एप्लीकेशन है जो प्रोग्राम से, कोडिंग से बनी है। और प्रोग्राम क्या होता है, किसी भी लैंग्वेज में कुछ भी इम्प्लीमेंट करना हो उसके लिए हमें प्रोग्राम बनाना पड़ता है। जो हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है वो मोर देन होता है प्रोग्राम, और जो प्रोग्राम होता है वो सबसेट होता है सॉफ्टवेयर का। मतलब सॉफ्टवेयर के आगे तो प्रोग्राम कुछ भी नहीं है, लेकिन बिना प्रोग्राम के भी सॉफ्टवेयर नहीं बन सकता। ओके, नाउ द डिफरेंस बिटवीन द प्रोग्राम एंड द सॉफ्टवेयर। सबसे पहले जो प्रोग्राम होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो यूज़ किया जाता है प्रोसेस करने के लिए, क्रिएट करने के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को इन डिफरेंट लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, सी, HTML, C++, Python, anything. Now the software. सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम जो है वो एक प्रोसेस है क्रिएट करने के लिए सॉफ्टवेयर को, और जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स से बनती है परफॉर्म करने के लिए कोई ना कोई टास्क। नाउ प्रोग्राम, जो हमारा प्रोग्राम होता है उसे हम फर्दर कैटेगराइज नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है उसके आगे फर्दर थ्री टाइप्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है, जो हमारे पास प्रोग्राम होता है उसका यूज़र इंटरफेस नहीं होता, लेकिन जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें यूज़र इंटरफेस होगा, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ग्राफिकल फॉर्मेट में भी हो सकता है, कमांड को प्रॉम्प्ट करने के लिए भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हमारे पास इंटरफेस हो सकता है, लेकिन प्रोग्राम में नहीं होता, सॉफ्टवेयर के अंदर इंटरफेस होगा। नाउ जो हमारे पास प्रोग्राम होते हैं वो स्मॉल साइज़ के होते हैं, उनका साइज़ एग्जिस्ट करता है बिटवीन किलोबाइट्स एंड मेगाबाइट्स, लेकिन हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनका साइज़ बड़ा होता है, उनका साइज़ एग्जिस्ट करता है बिटवीन मेगाबाइट एंड द गीगाबाइट। अब हमारे पास आता है प्रोग्राम, जो प्रोग्राम है वो कम टाइम लेगा डेवलपमेंट के लिए, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है उसे डेवलप करने के लिए हमारे पास काफ़ी टाइम लगता है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हमारे पास प्रोग्राम के एग्जांपल हैं वीडियो गेम्स, कोई भी मेलवेयर्स मतलब मेलिशियस वायरसेस टाइप में जो होते हैं या कुछ भी, लेकिन सॉफ्टवेयर के लिए हमारे पास जो एग्जांपल हैं वो हैं एडोब फोटोशॉप, एडोब रीडर, गूगल क्रोम, जितनी भी एप्लीकेशन हमारे फ़ोन में पड़ी होती हैं जो किसी ना किसी पर्पस के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। होप सो आपको सब अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।